ये हैं टोटल 5 माउस, जो कि आता है 269 रुपीज़ से लेकर 320 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। एंड ये HP X1000 आता है 269 रुपीज़ में। एंड ये डेल MS116 आता है 269 रुपीज़ में। एंड ये लिनोवो 300 आता है 299 रुपीज़ में। एंड ये लॉजिटेक B100 आता है 299 रुपीज़ में। एंड ये HP का M10 आता है, ये 320 रुपीज़ में है। तो 300 रुपीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, सिर्फ 20 रुपीज़ ज़्यादा है इसका, HP M10 का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के माउस आते हैं अंडर 300 रुपीज़ में। सिर्फ ये दोनों माउस HP कंपनी के हैं, बाकी ये 3 डिफरेंट कंपनी के हैं। एंड सभी माउस में वारंटी की बात करें तो ये HP X1000 में 3 ईयर की वारंटी मिलती है। एंड ये डेल MS116 में भी 3 ईयर की वारंटी मिलती है। आप बॉक्स पे भी देख सकते हैं ये मेंशन क्या है, 3 ईयर की वारंटी। एंड ये लिनोवो 300 में वारंटी 1 ईयर की मिलती है। एंड ये लॉजिटेक B100 में 3 ईयर की मिलती है। एंड ये HP M10 में 1 ईयर की मिलती है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बॉक्स पे 1 ईयर लिमिटेड वारंटी। तो ऐसा कुछ है, 3 ईयर 3 ईयर 1 ईयर 3 ईयर एंड 1 ईयर। तो मैक्सिमम वारंटी आपको HP X1000, ये डेल MS116 एंड लॉजिटेक के B100 में मिलती हैं। माउस में कलर एंड टेक्सचर की बात करें तो सभी ब्लैक कलर में आते हैं। एंड ये 4 माउस जो हैं ये मैट फिनिश में आते हैं। एंड ये HP X1000 आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में आता है, ऐसा आप देख सकते हैं ये ग्लॉस हो रहा है। एंड ये ड्यूअल टोन में आता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सरफेस मैट है लेकिन यहाँ पे ये ग्लॉसी है, तो ये ड्यूअल टोन में आता है, ऐसा कुछ है सरफेस। एंड ये डेल MS116 की बात करें तो पूरा यहाँ पे आप सरफेस देख सकते हैं, ये मैट सरफेस में आता है, ऐसा कुछ है। एंड ये लिनोवो माउस में आप देख सकते हैं ये भी सेम ही है, मैट फिनिश, ऐसा कुछ है। एंड ये लॉजिटेक B100 माउस में भी आप देख सकते हैं सरफेस ऐसी कुछ है, मैट सरफेस है। एंड ये HP M10 माउस में भी आप देख सकते हैं ऊपर की सरफेस जो है मैट फिनिश में है। एंड माउस में स्क्रॉल व्हील की बात करें तो सभी माउस में ये रबर का मटेरियल यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है रबर फिनिश में, ये स्क्रॉल व्हील काफ़ी अच्छा है HP X1000 में। एंड इसमें आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है स्क्रॉल व्हील। रबर मटेरियल में है। एंड सबसे अलग आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर में आता है, सभी माउस में ब्लैक कलर में है लेकिन ये ऑरेंज कलर में आता है, ये भी रबर मटेरियल में ही है। एंड आप देख सकते हैं इसमें ये ऐसा ग्रूव्स वगैरह बने हुए हैं। एंड ये भी रबर फिनिश में है, तो इसमें ग्रिप अच्छी आएगी। एंड इसमें नॉर्मल ही है रबर फिनिश में, ऐसा कुछ व्हील है HP M10 में। एंड स्क्रॉल व्हील की शेप की बात करें तो ये तीनों माउस में ऑलमोस्ट सेम ही है, HP X1000, लिनोवो 300 एंड HP M10 में ये सभी स्क्रॉल व्हील सेम ही शेप में आते हैं। ये डेल एंड लॉजिटेक में ऐसा कुछ है, ये स्क्रॉल व्हील अलग है शेप इसका, ये डेल MS116 एंड लॉजिटेक B100 में शेप डिफरेंट है, बाकी इन तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। एंड माउस की साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे स्मॉल ये HP X1000 है एंड सबसे बड़ा मुझे ये MS116 लग रहा है डेल का। एंड ये लॉजिटेक B100 एंड HP M10 ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है साइज़ में। ये लिनो 300 इन तीनों के बीच में कहीं आता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत स्मॉल, ऐसा कुछ है ये लिनोवो 300। एंड अभी मैं आपको इस HP X1000 की साइज़ मेज़र करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 3.5 इंच है इसकी लेंथ। एंड ये डेल MS116 की लेंथ है एग्जैक्टली 4.2 इंच। एंड ये लिनोवो 300 की लेंथ है 4 इंच एग्जैक्टली। एंड ये लॉजिटेक B100 की लेंथ है 4.2 इंच एंड HP M10 की लेंथ है 4.2 इंच। तो आप देख सकते हैं सबसे कम लेंथ है इस HP X1000 की। एंड ये डेल MS116 एंड ये लॉजिटेक B100 एंड ये M10 HP का, ये तीनों लेंथ में सेम ही है 4.2 इंच। एंड ये लिनोवो 300 की लेंथ थोड़ी सी कम है, 0.2 इंच कम है।
एंड माउस में वाइडनेस की बात करें तो ये HP X1000 में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 2 इंच है वाइड में, एंड ये डेल MS116 है एग्जैक्टली 2.5 इंच है, एंड ये लिनो 300 है 2.2 इंच, एंड ये लॉजिटेक B100 है 2.4 इंच, एंड ये HP M10 है 2.5 इंच। तो वाइडनेस में सबसे ज़्यादा ये HP M10 एंड ये डेल MS116 है, एंड ये सबसे कम इस HP के X1000 में है। एंड मेरे हैंड की साइज़ आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 6 इंच है, तो आप देख सकते हैं अर्गोनॉमिकली ये मेरे हैंड में कैसा लगता है। ये डेल का MS116 है एंड ये लिनोवो 300 है, एंड ये लॉजिटेक का B100 है, एंड ये HP का M10 है। सो अगर आपके हैंड स्मॉल साइज में आते हैं तो आप ये HP का X1000 परचेस कर सकते हैं, बाकी मेरे जैसे मीडियम हैंड है 6.4 इंच तक, तो आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आपके हैंड की साइज़ बड़ी है तो आप HP X1000 मत परचेस कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल है एंड आपका हैंड ऐसे रहेगा तो अनकंफर्टेबल लगेगा इसे यूज़ करने में। तो बाकी आप ये सारे परचेस कर सकते हैं आपके हैंड की साइज़ नॉर्मल या बड़ी है तो। सभी माउस के शेप एंड डिज़ाइन की बात करें तो मैं अभी आपको 360 डिग्री घुमा के सब कुछ आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं माउस का शेप एंड डिज़ाइन। एंड ये डेल MS116 है, इसका भी आप शेप एंड डिज़ाइन देख सकते हैं 360 डिग्री। एंड ये लिनोवो 300 है, एंड ये लॉजिटेक B100 है, इसे भी आप डिटेल में देख सकते हैं 360 डिग्री व्यू। एंड ये लास्ट में HP M10 है। शेप एंड डिज़ाइन में साइड ग्रूव्स की बात करें तो सिर्फ इन दोनों माउस में ही मिलते हैं, आप देख सकते हैं ऐसा ग्रूव्स मिलते हैं इन दोनों माउस में, बाकी ये तीनों माउस में आपको फ्लैट ही मिलता है, कोई ग्रूव्स वगैरह नहीं मिलता है। ये तीनों माउस में आपको साइड में फ्लैट ही देखने को मिलेगा शेप एंड डिज़ाइन की बात करें तो। एंड सबसे ज़्यादा लो प्रोफाइल माउस ये लिनोवो का 300 है, ये सबसे ज़्यादा लो प्रोफाइल में आता है कंपेयर टू दिस अदर 4 माउस, ये सभी ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। सबसे ज़्यादा लो प्रोफाइल ये लिनोवो 300 है।
एंड अगर आपको यूसेज में लो प्रोफाइल वाले माउस पसंद है तो आप ये लिनोवो 300 परचेस कर सकते हैं। बाकी लो प्रोफाइल में नहीं लेना है तो आप ये एक दो तीन चार कंसिडर कर सकते हैं। एंड ये HP X1000 का वेट आप देख सकते हैं, 58 ग्राम है। एंड ये डेल MS116 का वेट 81 ग्राम है। एंड ये लिनोवो 300 का वेट आप देख सकते हैं, ये 91 ग्राम है। एंड ये लॉजिटेक B100 का वेट 87 ग्राम है। एंड ये HP 10 का वेट 98 ग्राम है। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लाइट वेट ये HP का X1000 है जो कि 58 ग्राम का है। एंड उसके बाद आता है MS116 जो कि 81 ग्राम का है। एंड सबसे ज़्यादा वेट है इस HP का M10 का जो कि 98 ग्राम है। तो ये सबसे ज़्यादा हैवी है इन चारों माउस में। ये दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, ये लिनोवो 391 ग्राम एंड ये लॉजिटेक B100 87 ग्राम है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं एंड सबसे ज़्यादा लाइट वेट ये दोनों माउस हैं। तो आप अपने यूसेज के हिसाब से देख सकते हैं, आपको हैवी माउस चाहिए नॉर्मल वेट में चाहिए या सबसे लाइट वेट माउस चाहिए, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सा लेना है। एंड सभी माउस में आप USB की क्वालिटी देख सकते हैं, सभी में ये वाइट प्लास्टिक यूज़ किया गया है सिवाय कि ये लिनोवो के। लिनोवो में आपको ये ब्लैक USB अंदर की तरफ देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी यूनिक है। एंड USB की क्वालिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी में सेम ही मिलती है, सिर्फ शेप एंड डिज़ाइन डिफरेंट होती हैं सभी माउस में। ऐसा कुछ होता है, ऐसा राउंड होता है या फिर ऐसे पैटर्न बने हुए होते हैं या फिर ऐसे सिंपल होता है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में आते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑलमोस्ट सभी में सेम ही है। एंड सभी माउस में बटन्स की बात करें तो सभी में आपको 3 बटन्स देखने में मिलते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड ये स्क्रॉल व्हील में बटन आता है वो, तो सभी में सेम ही है। एंड HP X1000 में वायर की लेंथ की बात करें तो एग्जैक्टली 61 इंच तक है जो कि होता है 1.5 मीटर, तो काफ़ी लंबी लेंथ है इस HP X1000 की। एंड इस डेल MS116 में एग्जैक्टली 67 इंच तक है जो कि होता है 1.7 मीटर। ये लिनोवो 300 में वायर की लेंथ एग्जैक्टली 70 इंच है जो कि होता है 1.7 मीटर। एंड ये लॉजिटेक B100 में एग्जैक्टली वायर की लेंथ 68 इंच तक है जो कि होता है 1.7 मीटर। एंड ये HP 10 में आप वायर की लेंथ देख सकते हैं 63 इंच तक है जो कि होता है 1.6 मीटर। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कम इस HP के X1000 में है जो कि 61 इंच 1.5 मीटर है, तो नॉर्मल यूज़ के लिए सफिशियंट है 1.5 मीटर भी। एंड इन तीनों माउस में ऑलमोस्ट सेम ही है वायर की लेंथ, इसमें 67 इंच, लिनोवो में 70 इंच एंड ये लॉजिटेक में 68 इंच है। तो सबसे ज़्यादा बात करें इंच में तो ये लिनोवो में है 70 इंच, तो ऐसा कुछ है। एंड ये लास्ट में HP M10 में 63 इंच है, तो ये भी ये HP X1000 के बाद आता है सबसे कम में HP M10। इन तीनों में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हैं। अभी माउस में DPI की बात करें तो ये HP X1000 में 1000 DPI मिलता है, ये डेल MS116 में भी 1000 DPI मिलता है एंड ये लिनोवो 300 में आपको 1600 DPI मिलता है। एंड ये लॉजिटेक B100 में 800 DPI देखने को मिलता है। एंड ये HP के M10 में आपको 1000 DPI देखने को मिलता है। तो सबसे कम इसमें ये लॉजिटेक के B100 में है 800 DPI एंड सबसे ज़्यादा DPI ये लिनोवो 300 में मिलता है जो कि 1600 होता है। एंड बाकी ये तीन माउस में सेम ही है 1000 DPI। DPI के बारे में आपको नहीं पता तो डॉट पर इंच होता है। एंड अगर आपके मॉनिटर का साइज 24 इंच है तो 800 से लेके 1000 DPI तक सफिशियंट होता है। एंड अगर आपके माउस में 4800 से लेके 64 DPI तक है तो आप 24 इंच के मॉनिटर में आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए आप ये HP M260 माउस में देख सकते हैं, मैंने 6400 DPI को सेट किया है एंड आप देख सकते हैं इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इतना मूव करने पे भी ये बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है डिस्प्ले पे, तो ऐसा कुछ हो जाता है।
ऐसा कुछ होता है माउस को, ऐसे थोड़ा सा भी मूव करने पे बहुत ज़्यादा कर्सर का मूवमेंट हो जाता है। तो 1000 से लेके 3000 DPI तक सफिशेंट है। तो 24 इंच से लेके 32 इंच तक मॉनिटर में नॉर्मल ऐसे 1000 से लेके 3000 DPI तक सफिशेंट है। अनलेस कि आपके मॉनिटर या फिर आप TV में यूज़ करते हैं तो उसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, 55 इंच, 75 इंच ऐसा कुछ है, तो आपको ये काम आएगा 4800 से लेके 6400 DPI तक। बाकी नॉर्मल यूज़ में यही सफिशेंट है। डिस्क्लेमर, अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग वगैरह करते हैं तो शायद 6400 DPI काम आ सकता है, बाकी नॉर्मल यूज़ में कोई काम नहीं आने वाला है। एंड सभी माउस में मैंने अभी पोलिंग रेट टेस्ट करके देखी तो ऑलमोस्ट 100 से लेकर 125 Hz तक एवरेज है पोलिंग रेट। एंड अगर आपको पोलिंग रेट के बारे में नहीं पता तो आप माउस देख सकते हैं, ये पोजीशन बार बार चेंज करता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन CPU के पास जाती हैं। तो 125 Hz पोलिंग रेट मतलब कि 1 सेकंड में 125 बार CPU के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी कि पोजीशन क्या है। तो ये होता है पोलिंग रेट। सभी माउस में आप क्लिक्स एंड स्क्रॉल की साउंड सुन सकते हैं, ये HP X1000 है। एंड ये है डेल MS116। एंड ये है लिनोवो 300। इसकी क्लिक्स की साउंड बहुत ही अच्छी है, आप सुन सकते हैं, एंड उतनी ही बेकार इसकी स्क्रॉल व्हील की साउंड है। क्लिक्स की साउंड अच्छी है लेकिन स्क्रॉल व्हील की साउंड इतनी अच्छी नहीं है, सुन सकते हैं। एंड ये है लॉजिटेक B100। इसके क्लिक्स बहुत ही साइलेंट एंड स्मूथ हैं। एंड स्क्रॉल व्हील भी काफ़ी साइलेंट है एंड काफ़ी स्मूथ है स्क्रॉल व्हील। काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं इसमें क्लिक्स एंड स्क्रॉल। एंड ये है HP M10 माउस, ये काफ़ी लाउड हैं इसके क्लिक्स एंड स्क्रॉल। इसका स्क्रॉल भी काफ़ी अच्छा है, साइलेंट है। तो ऐसे कुछ साउंड आते हैं क्लिक्स एंड स्क्रॉल में। सभी माउस को मैंने PC के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड अभी हम टेस्ट करेंगे HP X1000 को। एंड ये सपोर्ट करता है 1000 DPI को, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कर्सर को मैं आसानी से मूव कर पा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है 1000 DPI में। एंड डबल क्लिक भी देख सकते हैं आसानी से हो रहा है, एंड ये इसको ड्रैग भी मैं आसानी से कर पा रहा हूँ इस फाइल को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे ड्रैग और डबल क्लिक में। एंड राइट क्लिक भी आप देख सकते हैं रिफ्रेश वगैरह में आसानी से कर पा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे इसके बटन्स हैं, रिस्पॉन्सिव है बटन। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस वर्ड को भी आसानी से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो सिलेक्ट भी अच्छे से हो रहे हैं। एंड स्क्रॉल व्हील की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल व्हील भी आसानी से मूव हो रहा है एंड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फंक्शनैलिटी में इस HP X1000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आसानी से आप इसे यूज़ कर पाएंगे नॉर्मल यूज़ में। एंड ये है डेल का MS116 जो कि सपोर्ट करता है 1000 DPI को।
एंड इसमें हम डबल क्लिक करके देखते हैं तो देख सकते हैं वे भी आसानी से हो रहा है एंड फाइल को ड्रैग भी आसानी से कर पा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। एंड राइट क्लिक भी देख सकते हैं आसानी से हो रहा है। एंड वर्ड को सिलेक्ट भी करके देखते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड स्क्रॉल व्हील देख सकते हैं आप, स्क्रॉल व्हील भी काफ़ी अच्छा है रबर फिनिश में। एंड मूवमेंट भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है स्क्रीन पे स्क्रॉल व्हील घुमाने पे, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये है लिनोवो 300 जो कि सपोर्ट करता है 1600 DPI को, तो सबसे ज़्यादा इसी माउस में है DPI। एंड आप देख सकते हैं ये माउस भी फास्ट मूव हो रहा है कंपेयर टू अदर माउस। एंड अगर आपके माउस के मूवमेंट की स्पेस बहुत ही कम है तो आप ये माउस परचेस कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल स्पेस में भी आप कर्सर को ज़्यादा मूव कर पाएंगे। तो 1600 DPI ऐसे आप यूज़ में ले सकते हैं। एंड आप डबल क्लिक भी देख सकते हैं काफ़ी आसानी से हो रहा है एंड ड्रैग भी हम आसानी से कर पा रहे हैं एंड राइट क्लिक भी आसानी से होता है। रिफ्रेश एंड सिलेक्ट करके देखते हैं वर्ड को तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड स्क्रॉल व्हील आप देख सकते हैं ये भी अच्छा है। एंड ये है लॉजिटेक का B100 एंड इसमें सबसे कम DPI सपोर्ट मिलता है जो कि 800 है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये स्लो फील होता है डिस्प्ले पे, लेकिन नॉर्मली उसमें ये काम आ जाता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये एरिया बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है। एंड डबल क्लिक करके आपको मैं दिखाता हूँ तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड ट्रैक भी हम आसानी से कर पाते हैं आप देख सकते हैं, एंड राइट क्लिक भी ये आसानी से होता है। एंड हम वर्ड को सिलेक्ट करके देखते हैं तो ये भी आसानी से होता है ऐसे ऐसे। एंड ये इसका स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल व्हील इसका सबसे ज़्यादा मुझे स्मूथ लगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, कोई हार्ड वगैरह फील नहीं होता है, तो बहुत ही स्मूथ है इसका स्क्रॉल व्हील। एंड ये हमारा लास्ट माउस है जो कि HP M10 है एंड इसमें 1000 DPI का सपोर्ट मिलता है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नॉर्मल है, ऐसे हम कर्सर को मूव कर पाते हैं। एंड डबल क्लिक भी आप देख सकते हैं आसानी से होता है एंड रिफ्रेश भी आप राइट क्लिक से आसानी से कर पाएंगे, देख सकते हैं राइट क्लिक। एंड वर्ड भी हम आसानी से सिलेक्ट कर पाते हैं, जर्नलिज्म सेंटर 40, तो ऐसे कुछ हम आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड इसमें आप देख सकते हैं स्क्रॉल व्हील भी काफ़ी अच्छा है, ये भी स्मूथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मूथ इससे लॉजिटेक में ही है सबको कंपेयर करेंगे तो स्क्रॉल व्हील को, तो ऐसा कुछ है। सभी माउस में बॉटम में देख सकते हैं ये फुट पैड मिलते हैं जो कि सरफेस पे ड्रैग करने के लिए होते हैं, तो सभी माउस में डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, ऐसा कुछ मिलते हैं सभी में। एंड यहाँ पे चारों तरफ मिलते हैं इस HP M10 में एंड लॉजिटेक के B100 में भी चारों तरफ मिलते हैं। एंड ये लिनोवो के माउस में आप देख सकते हैं ये गेमिंग वाला जो है वैसा फुट पैड दिया है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छे से मूव होगा सरफेस पे। एंड इसमें भी सेम ही है आप देख सकते हैं, ऐसे राउंड में दिया है एंड ऐसे दिया है एंड इसमें भी चारों तरफ है, तो इन तीनों में सेम ही है HP X1000 लॉजिटेक B100 एंड ये HP के M10 में सेम ही है, बाकी ये दोनों में गेमिंग वाले ये फुटपैड्स दिए हैं। एंड मेरी बात करें तो मुझे पर्सनली ये वाले पसंद है क्योंकि ये सरफेस पे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मूव करने में। आप देख सकते हैं सभी माउस को मैंने टेबल की सरफेस पे ही यूज़ किए हैं, तो ये सभी टेबल की सरफेस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको वो माउस पैड लेना ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप देख सकते हैं ये HP X1000 भी वर्क कर रहा है टेबल की सरफेस पे, ये डेल MS116 भी टेबल की सरफेस पे वर्क करता है, ये लिनोवो 300 भी ये टेबल की सरफेस पे वर्क करता है एंड लॉजिटेक B100 भी टेबल की सरफेस पे वर्क करता है, ये भी वर्क करता है HP M10, तो आपको माउस पैड लेना ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे टेबल की सरफेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इन पांचों माउस में से सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फ्री स्मूथली सरफेस पे मूव होता है वो ये लिनोवो का है, ये ऐसा फुट पैड दिया है इसकी वजह से है ये काफ़ी स्मूथली मूव होता है, आपको आपको ऐसा ड्रैग महसूस ही नहीं होता है, ये काफ़ी स्मूथली मूव होता है। अभी मैं टेस्ट करूँगा HP X1000 को ग्राफिक डिज़ाइन के लिए
अभी मैं पटेटो ड्रॉ करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पटेटो ड्रॉ करने की कोशिश की है, एंड ये HP X 1000 काफ़ी अच्छा है ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, ऐसा कुछ आप डिज़ाइन कर पाएंगे। एंड अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ ये डेल का MS 116 ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, तो इसे अभी मूव करते हैं साइड पे। एंड अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ टमेटो को, तो ड्रॉ करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये डेल MS 116 से मैंने टमेटो को ड्रॉ कर दिया है, तो ऐसा कुछ है। सो इसे ड्रॉ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, आपने अभी देख लिया। एंड अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ लिनोवो 300 ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। अभी मैं क्यूकम्बर ड्रॉ करके देखता हूँ। सकते हैं ये लिनो 300 से मैंने क्यूकम्बर को ड्रॉ किया है, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस माउस ने। एंड अभी हम यूज़ करेंगे लॉजिटेक B100 माउस ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, तो अभी मैं कोरिएंडर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अभी थोड़े से यूज़ में मुझे ये पता चला कि इसका क्लिक्स बहुत ही औसम है इन चारों के कंपेयर में। अगर आपको क्लिक्स एंड स्क्रॉल व्हील सबसे बेस्ट चाहिए तो आप ये लॉजिटेक का माउस परचेस कर सकते हैं। इस लॉजिटेक का माउस आप परचेस करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि इसका क्लिक्स कितना बढ़िया है। सो आप देख सकते हैं ये लॉजिटेक B100 से मैंने कोरिएंडर को ड्रॉ किया है, एंड आपकी प्रायोरिटी सबसे अच्छी क्लिक्स एंड स्क्रॉल व्हील की है तो आप इसे ही परचेस कीजिए, क्योंकि इसका क्लिक सबसे बढ़िया है इन चारों माउस में। एंड अभी हम ग्राफिक डिज़ाइन के लिए HP M10 माउस को यूज़ करेंगे। एंड मैं कैबेज ड्रॉ करके देखता हूँ। इसका क्लिक्स थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है, लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है। स्क्रॉल व्हील इसका भी अच्छा है, लेकिन क्लिक्स उतने अच्छे नहीं है HP M10 में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये HP M10 के माउस को यूज़ करके मैंने कैबेज को ड्रॉ कर दिया है। तो अभी मैं HP X 1000 को गेमिंग के लिए टेस्ट करके देखने वाला हूँ, एंड इसमें 1000 DPI सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट ऐसा कुछ होता है, प्लेयर का जो थर्ड पर्सन व्यू है वो ऐसा कुछ मूवमेंट होता है 1000 DPI में। तो नॉर्मली गेमिंग के लिए ये सही है। एंड क्लिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये प्लेयर हिट कर पाता है, तो क्लिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड स्क्रॉल व्हील आप देख सकते हैं ऐसा कुछ, आप यहाँ पे गन्स वगैरह चेंज कर पाएंगे। स्क्रॉल व्हील भी काफ़ी अच्छा है। एंड राइट क्लिक करने पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट एंड शूट कर पा रहा है, तो ऐसा कुछ है। तो नॉर्मल गेमिंग वगैरह के लिए काफ़ी सही है। एंड अभी मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ डेल MS 116 को गेमिंग के लिए, एंड इसमें भी 1000 DPI मिलता है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली यूज़ के लिए गेमिंग के लिए सही है। ऐसे थर्ड पर्सन व्यू को आप आसानी से मूव कर पाएंगे। एंड क्लिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हिट कर पाता है। एंड स्क्रॉल व्हील में आप ऐसे वेपन चेंज कर पाएंगे, एंड राइट क्लिक करने पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट एंड शूट करता है। तो नॉर्मली गेमिंग के लिए ये भी सही है डेल MS 116।
एंड ये है लिनोवो 300, एंड इसमें सबसे ज़्यादा डीपीआई मिलता है 1600। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है गेमिंग के लिए। इसका जो थर्ड पर्सन व्यू मूवमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड 1600 डीपीआई से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। देख सकते हैं कैमरा मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट फील होता है, एंड एंड क्लिक्स आप देख सकते हैं ये हिट कर पाता है, एंड क्लिक्स की साउंड भी इसमें बहुत ही अच्छी आती हैं। एंड स्क्रॉल व्हील घुमाने पे आप यहाँ से वेपन वगैरह चेंज कर पाएंगे। एंड आप देख सकते हैं ये राइट क्लिक करने पे पॉइंट एंड शूट आप कर पाएंगे ऐसे। तो नॉर्मल गेमिंग के लिए ये भी सही है लिनोवो 300। एंड ये है लॉजिटेक B100 जो कि सपोर्ट करता है DPI 800, सबसे कम है। तो भी देख सकते हैं मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन गेमिंग वगैरह आप कर पाएंगे इसमें। ऐसा कुछ मूवमेंट है, इतना मूव करने पे इतना मूव होता है। इसका थर्ड पर्सन व्यू एंड क्लिक्स भी आप देख सकते हैं ये हिट कर पाता है। से आप देख सकते हैं ये वेपन वगैरह चेंज कर पाएंगे, एंड राइट क्लिक से आप पॉइंट एंड शूट कर पाएंगे। तो ये भी नॉर्मल गेमिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, एंड क्लिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। एंड ये है HP का M10 माउस, एंड ये सपोर्ट करता है 1000 DPI को। एंड आप देख सकते हैं कैमरा की मूवमेंट जो थर्ड पर्सन व्यू है वो ऐसा कुछ मूव होता है माउस को मूव करने पे, एंड क्लिक्स भी आप देख सकते हैं ये हिट कर पाता है। एंड स्क्रॉल व्हील से आप गन वगैरह चेंज कर पाएंगे इससे, एंड राइट क्लिक से आप पॉइंट एंड शूट कर पाएंगे ऐसे। तो ओवरऑल गेमिंग के लिए ये भी सही है माउस, आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। एंड सभी माउस में सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेशन की बात करें तो वो नहीं मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी चीप प्राइस में आता है, अंदर 300 रुपीज़ प्राइस में, एंड एक्स्ट्रा कोई बटन भी नहीं है DPI वगैरह को, तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। जब भी आप माउस परचेस करें तब आप कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि लुक्स पे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको माउस को यूज़ ही करना है, शो ऑफ वगैरह नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ये सारे कंफर्टेबल शेप में माउस आते हैं, तो इसमें से आप कोई भी परचेस कर सकते हैं। ये लुक्स में भी अच्छे हैं एंड कंफर्टेबल भी हैं, सिर्फ आप अपने हैंड के साइज़ के हिसाब से आप परचेस कीजिएगा कि कौन सा वाला माउस आपके लिए परफेक्ट है। एंड ये सभी माउस आप देख सकते हैं मैंने PC के साथ कनेक्ट किए हैं, तो ये ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चल जाएंगे, एंड सभी PC या लैपटॉप में ये वर्क करेंगे। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में मुझे सभी माउस अच्छे लगे, एंड मैंने सब कुछ आपको इस सभी माउस के बारे में बता दिया है, तो आप अपने यूसेज के हिसाब से कोई भी माउस परचेस कर सकते हैं। एंड पर्सनली आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो, मैं ये चारों माउस परचेस करता, सिर्फ ये HP का नहीं परचेस करता, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल है मेरे हैंड में, मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है। बाकी इस माउस में कोई वैसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा माउस है। आपको आपका हैंड का साइज स्मॉल है तो आप ये बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। इन सभी माउस में बिल्ड क्वालिटी, यूसेज एंड परफॉर्मेंस गेमिंग का वगैरह आपने देख ही लिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये माउस वर्थ करते हैं या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।